जी सी यू एफ में एम फिल और पी एच डी के टेस्ट की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। यानी कि पहले जो है ना यही टेस्ट एम फिल और पी एच डी का 26 अगस्त यानी कि सैटरडे के दिन होना था, मगर अब इसकी डेट एक्सटेंड होगी। अब एम फिल और पी एच डी का टेस्ट 28 अगस्त 2023 को होगा ऑन मंडे। तो आप सब लोग अच्छे से जो है ना प्रिपेयर होके आइएगा। प्लस इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपने वाउचर पे नहीं करवाए तो याद से आज आप लोग अपने वाउचर्स पे करवा दीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है एम फिल और पी एच डी में अप्लाई करने की इन जी सी यू एफ। और अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हम लोग एक से ज़्यादा फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फील्ड में हम लोग टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करें, तो आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। आप लोग जिस डिपार्टमेंट में बैठ के टेस्ट दे रहे होंगे, अगर आप लोगों ने यानी कि किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, यानी कि अगर आप फिजियोलॉजी में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं और आपने जूलॉजी में अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों का टेस्ट वहीं पर आ जाएगा। प्लस अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो जी आप लोगों ने जी सी यू एफ की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आज लास्ट डेट है, तो यहाँ से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं आज लास्ट में अप्लाई करें, अपने वाउचर्स पे करें। प्लस आप लोग यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी भी देख सकते हैं फॉर बीएस एमफिल और पीएचडी की क्या एडमिशन पॉलिसी है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोगों ने क्लिक करके सबसे पहले से कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना सीएनआईसी और बी फॉर्म का नंबर ऐड करना होगा। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, अगर आप लोगों का जो है ना पोर्टल बना हुआ है, ठीक है, तो आपने लॉगिन करना है। प्लस अगर आप लोगों का पोर्टल नहीं बना तो आप लोग यहाँ पे क्रिएट एडमिशन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपना सबसे पहले एडमिशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है और आप लोगों को लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आप लोग अपने पासवर्ड के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इस तरह से जो है ना आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। बाकी काइंडली नॉइस को जो है ना इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना इस पर वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स पूछ रही हैं कि जी सी यू एफ का क्या टेस्ट का सीन है और मतलब डेट इसकी एक्सटेंड हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बना देती हूँ। अगर आप लोगों ने जी ऑनलाइन अप्लाई करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपना एडमिशन अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद फिर आप लोगों ने लॉगिन करना होगा अपने पोर्टल को अपने सी एन आई सी या डेट ऑफ बर्थ के साथ या अपने पासवर्ड के साथ। फिर थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, देन आप लोगों को फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है। वो आप लोग देख लीजिएगा क्या रिक्वायरमेंट है, कितने के बी की फोटोग्राफ आप लोगों ने अपलोड करनी है। बाकी वहाँ पर आ रहा होगा अगर आप लोगों ने साइज रिड्यूस करना है या जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं, और ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप लोगों ने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, वो भी ऑनलाइन। आप लोग ब्लू बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मतलब कि पिक्चर का ब्लू बैकग्राउंड आप सर्च करेंगे ना, वहाँ पे तो अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी, तो वो आपकी पिक्स को जो है ना पिक को ब्लू बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है, बाकी कोई भी मसला नहीं है। फिफ्थ स्टेप में आप लोगों ने अपनी एकेडमिक डिटेल्स जो है ना वो पुट करनी है, यानी कि अगर आप लोगों ने एम फिल के लिए टेस्ट देना है तो आप लोगों को अपने बी एस की, मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की डिटेल्स ऐड करनी होगी। और अगर आप लोग पी एच डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, बी एस की और जो है ना आप लोगों को अपनी मास्टर की डिटेल अच्छे से ऐड करनी होगी। आप लोग काइंडली चेक कर लीजिएगा किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। फिफ्थ स्टेप के बाद ही आप लोगों को सिक्स पे आ जाता है कि आप लोगों ने अपनी एंट्री टेस्ट की डिटेल ऐड करनी है, अगर तो ये रिक्वायर है। सेवन्थ स्टेप पर आ जाता है कि आप लोगों को अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लेना है इन जी सी यू एफ। एट्थ स्टेप पर आप लोगों ने प्रूफ रीडिंग करनी है, यानी कि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को थोरली चेक कर लेना है कि कोई भी आप लोगों की मिस्टेक ना हो। फिर नाइन्थ पे स्टेप पे ये आ जाता है कि आप लोगों को अपना वाउचर आ जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों ने इस वाउचर का प्रिंट निकलवाना है और बैंक में जाकर उसकी फ़ी पे करवानी है। और आज लास्ट डेट है, तो जिन लोगों ने अप्लाई करना है और अभी करना चाहते हैं जी सी यू एफ में, तो लास्ट डेट आप लोग लास्ट अभी अप्लाई कर लें और जो है ना अच्छे से अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर आएगा। और कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, तो आप लोगों ने जो भी जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है, जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो आप लोग उसके जो है ना कोर्स कंटेंट वगैरह देख लीजिएगा, या तो जो है ना आप लोग यूट्यूब से और गूगल से उसकी क्विज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर इस तरह से प्रिपेयर किया था, यानी कि मैं फिजियोलॉजी में हूँ, तो मैंने जो है ना अपने डिपार्टमेंट के जितने भी मैंने बीएस डिग्री में जो कोर्स वगैरह थे, मैंने उनमें से कुछ कोर्सेज के जो है ना MCQs वगैरह सर्च किए ऑन YouTube एंड ऑन Google, और फिर मैंने उनकी प्रिपरेशन की, क्विज मतलब अटैम्प्ट किया, मैंने अपनी मतलब तैयारी करी, बल्कि मैंने तो प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं अपने हर कोर्स के इसमें ये MCQs इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से अपने MCQs के लिए प्रिपेयर होके आइएगा। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। प्लस बच्चों को एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि हम लोगों ने टेस्ट वाले दिन क्या लेकर आना है, यानी कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स मुझसे कंटिन्यूसली सब क्वेश्चनिंग करती रहती है, तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो जिस दिन आप लोगों का टेस्ट है, सो गाइस डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर वाउचर्स एंड योर आईडी कार्ड ऑन टेस्ट डे। आप लोगों ने याद से अपने पेड वाउचर्स लेकर आने हैं साथ, और अपना आईडी कार्ड लेकर आना है, क्योंकि ऑब्वियसली गार्ड आप लोगों से पूछेंगे ज़रूर। अपना वाउचर भी लेके आएगा, आप लोग उनको बस दिखा सकते हैं कि जी हम लोग यहाँ टेस्ट देने आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, ईजिली आप एंटर हो जाएंगे और अपना टेस्ट दीजिएगा। जिस डिपार्टमेंट में आप
लोगों ने अप्लाई किया है, आप लोगों ने उसी डिपार्टमेंट में अपने जो है ना टेस्ट देने जाना है, यानी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में अप्लाई किया है तो वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही जाकर अपना टेस्ट देंगी, और जो न्यूट्रिशन में जैसे कि मेरी फ्रेंड्स ने अप्लाई किया है तो वो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में जाएंगी। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने टेस्ट देना है वो डिपार्टमेंट किधर है, किस ब्लॉक में है, किस कैंपस में है, तो वो जी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग वहाँ पर इसीलिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी गाइड करूँगी। और इसके अलावा मैंने जी सी यू एफ पे और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी की चिल लाइफ फन जो भी हम लोग करते हैं उस पर वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप लोग वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी या है रिगार्डिंग टेस्ट या जो भी, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आइएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुड लक है कि इंशाल्लाह आप सब लोग पास हो जाए, अच्छे अच्छे से अपना जो है टेस्ट दीजिएगा, प्रिपेयर होकर आइएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने साथ अपनी वाटर बॉटल भी लेकर आइएगा, ठीक है, हमें टेस्ट को देख के कन्फ्यूज़ ही ना हो जाए बच्चे। तो जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब गुड लक टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।